नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवाओं को कारगिल युद्ध के इन वीरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, वीरता और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया था। इस विजय अभियान में कई वीर सैनिकों ने अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शहीद वीरों की वीरांगनाओं की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की भी घोषणा की है, जिससे 800 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वीर शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए भी कई घोषणाएं की है। ग्रेड पे का जो प्रकरण है, उस पर जब से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबसे पहले कोई मामला हम लोगों ने बिना किसी कहे, पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके बिना किसी कहे, क्योंकि शपथ लेने के सीधे जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी 2 घंटे के अंदर, उस कैबिनेट में हमने उसकी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है और उप समिति जो है उस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट देगी। हम लोग उस पर रास्ता निकालने के लिए स्वयं आगे आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवान भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमारी भावना को समझना चाहिए। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के वीर जवानों ने पराक्रम की नई मिसाल पेश की थी। युद्ध के दौरान देहरादून के 28, पौड़ी के 13, टिहरी के 8, नैनीताल के 5, चमोली के 5, अल्मोड़ा के 4, पिथौरागढ़ के 4, रुद्रपुर के 3, बागेश्वर के 2, यूएस नगर के 2 और उत्तरकाशी से 1 जवान शहीद हुआ था। इस युद्ध में अदम्य पराक्रम के लिए प्रदेश के जवानों को 2 महावीर चक्र, 9 वीर चक्र, 14 सेना मेडल भी मिले थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा था। सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी देश के लिए बलिदान की परंपरा रही है। आगे वो कहते हैं कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके स्वजन के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। कारगिल विजय दिवस हमें देश के लिए शहीद हुए जाबाज सैनिकों की वीरता, पराक्रम, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की है। शौर्य दिवस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीरांगनाओं की पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा के अलावा मुख्यमंत्री ने सैनिकों के बच्चों के लिए हल्द्वानी में छात्रावास खोलने की भी घोषणा की है। साथ ही सरकार 1 सितंबर 2021 से वीरों के सम्मान में प्रदेश में सैनिक सम्मान यात्रा भी निकालने जा रही है। सावन का पहला सोमवार यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। यह भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में ही निवास, यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता था, मगर इस वर्ष कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं, मगर इस वर्ष मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक महंत विश्वापुरी महाराज ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय महीना है और कनखल स्थित दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ की ससुराल है और दुनिया में सबसे पहला भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि सावन के पूरे महीने वह यहीं पर वास करेंगे, इसलिए भगवान शिव सावन के एक महीने दक्ष प्रजापति मंदिर में ही वास करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन का प्रारंभ है
उससे पहले विशेष आरती का भगवान शिव के आगमन का स्वागत किया जाता है कि भगवान शिव अपने ससुराल में एक महीने के लिए विराजमान हो गए हैं, क्योंकि सावन के महीने में ही भगवान शिव की जटा से गंगा अवतरित हुई थी। इसलिए सावन के महीने में गंगा जल, दूध, दही, शहद, बुरा, गन्ने के रस और भांग धतूरे से भगवान शिव की पूजा की जाती है। भक्तों की दक्ष प्रजापति मंदिर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव सावन के महीने में यहीं विराजमान रहते हैं। सावन मास में इस वर्ष सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़ न जुट पाए, इसके भी मंदिर और पुलिस प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केवल जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। मंदिर में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। यही नहीं, कोरोना संकट को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर के कपाट भी सुबह 7 बजे खोले गए और शाम को 7 बजे के आसपास आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। श्रावण के महीने में ये भगवान शंकर की ससुराल है, दक्षेश्वर महादेव, और श्रावण के महीने में भगवान शिव ने राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यहीं पर निवास करूँगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊँगा, तो उनको दक्षेश्वर के नाम से जाना जाता है और श्रावण के महीने में भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं, ये उनकी ससुराल है। चूँकि गंगा भगवान शिव के मस्तक से निकली है, इसलिए भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से जलाभिषेक करने का बड़ा महत्व है। इसलिए लोग दूर दूर से गंगा जल, दूध, दही, शहद, बिल्व पत्र, बुरा, गिलोय, गन्ने का रस, रबड़ी इत्यादि चीज़ों से भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। चूँकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में भक्तों को शिव के दर्शन कराए जा रहे हैं। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, ऐसी सब जगह हमारे पूरे मंदिर प्रांगण में बोर्ड लगाए गए हैं, सबको समझाया जा रहा है कि कोरोना महामारी से बचते हुए भगवान शिव का दर्शन करें। पहले तो मैं देश और प्रदेशवासियों को आज सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसे कि दक्ष महादेव मंदिर की मान्यता है, यहाँ पर दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, गन्ने का रस, गिलोय इत्यादि का अभिषेक करने से जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। और यहाँ आज जो पूर्ण रूप से गाइडलाइन का पालन हो रहा है, अधिकतर लोग मास्क वगैरह लगा कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ ने राजा दक्ष को ऐसा वरदान दिया था कि एक महीना श्रवण मास में मैं यहीं पर विराजमान रहूँगा, ऐसी लोगों की मान्यता है। वहीं कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर स्थित कारगिल शहीद मनीष थापा के स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने भी शहीदों की शहादत को स्मरण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश के मनीष थापा कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले देश के जावाजों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के अद्भुत सैन्य सेवा परंपरा, अदम्य साहस और बलिदान का उत्सव है। हमारी सशस्त्र सेनाओं के साहस और उनकी देशभक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत सुरक्षित है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का दिन भारत माता के शहीद सपूतों को याद करने का दिन है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरों की भी भूमि है। इस भूमि ने ना जाने कितने ऐसे वीर पैदा किए हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शहीदों की शहादत का यह जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। के दिन 22 साल पहले जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना ने कारगिल में छदम बेस पर जब पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया, आज विजय पताका फहराई थी। हमारे उत्तराखंड के मनीष थापा सहित 75 जवान शहीद हुए थे, आज हम उनको नमन करने यहाँ पे आए हैं, उनको प्रणाम करने आए हैं। 527 हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, मैं सबको नमन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारे इन वीर जवानों ने कांग्रेस जो हमारे पाकिस्तान के जो हमारे सिपाही थे, कांग्रेस की सेना के छक्के छुड़ाए, उनके साथ छक्के किए, ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो भारत की सेना है वो आज पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सेना कही जा सकती है। 22 साल इस कारगिल दिवस को आज पूरा देश बड़े गर्व के साथ उनको नमन कर रहा है।
मेरे क्षेत्र के मनीष थापा को मैं नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। हर वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं और एक ही बात हम कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। मनीष थापा का पूरा समर्थन है। वहीं हरिद्वार के रावली महदूद स्थित कांग्रेस के कार्यालय में सैकड़ों युवाओं द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की गई। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष तेलुराम प्रधान ने बताया कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों और बीजेपी की गतिविधियों को देखते हुए आज युवाओं में बीजेपी के प्रति भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते आज युवाओं ने एक मन सुनिश्चित कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है जो सबके हित का सोचकर काम करती है, और आज जिस तरह से सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, इसको देखते हुए साफ मालूम चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का परचम लहराएगा और प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में अपना वर्चस्व बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार जनमानस कांग्रेस की तरफ झुकाव है, आज सैकड़ों युवाओं ने जिस प्रकार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, यह निश्चित रूप से एक संदेश है कि 2022 की सरकार कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। और मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं सभी साथियों को और उत्तराखंड सरकार को कि जिस प्रकार युवाओं का रुझान, जिस ओर युवा चलता है उस ओर कहानी चलती है, और उस ओर ही जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ही जो है जमाना चलता है। तो इसी मुहारे के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जवानी और जमाना कांग्रेस की तरफ चलना शुरू हो गया है। निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार 2022 में उत्तराखंड में बन रही है। तो वहीं अगली खबर उत्तरकाशी से। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला नौगांव में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी के सुंदरीकरण कार्य को गुणवत्ता व तेजी के साथ करने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा ना हो। इसके साथ ही मोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नया रूप दिया जा रहा है व स्वास्थ्य संबंधी कई आधुनिक उपकरणों से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में 33 बेड को कोविड अस्पताल तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। मोरी, नौगांव, चिन्यालीसौड़ में प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें कोविड मरीजों का उपचार किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी पुरोला सोहन सैनी, बड़कोट चतर सिंह चौहान, ACMO, RCR, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी नौगांव डॉक्टर निधि रावत आदि भी मौजूद रहे। वहीं अगली खबर रुद्रपुर से है। पुलिस लाइन में विजय दिवस के अवसर पर कारगिल के जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विधायक राजकुमार ठुकराल, डीएम रंजना राजगुरु, वन निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार, एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधायक ठुकराल ने कहा कि आज से 22 साल पहले कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, जिस पर देश के जवानों ने पाकिस्तान से लोहा लेते हुए उन्हें वहां से सीमा पार खदेड़ कर कारगिल पर तिरंगा फहराया था। आज की युवा पीढ़ी को ऐसे वीर जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देशभक्ति का जज्बा अपने दिलों में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के जवानों की शहादत को देश कभी नहीं भुला सकता और देश की रक्षा करने वाले ऐसे रणबांकुरों को शत शत नमन है। तो आपको बता दें कि कारगिल के जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर उनको शत शत नमन कहा है, और उन्होंने कहा कि ऐसे रणबांकुरों को शत शत नमन है, श्रद्धांजलि दी गई आज कारगिल दिवस का मौका, जिसमें हमारे देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी, डीएम और आला अधिकारी मौके पर मौजूद। अगली खबर हल्द्वानी से है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने युवा संवाद में हिस्सा लिया और जनता के सवालों के भी जवाब दिए। इसके साथ ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, इस पर भी उन्होंने लोगों से विचार विमर्श किया। अजय कोटियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच आएगी।
कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि उत्तराखंड की समस्याओं को जानने के साथ ही युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, युवा वर्ग को किस तरह की समस्याएं हैं, उनको जानकर ही आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। तो आपको बता दें कि कर्नल अजय कोटियाल आज युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर युवाओं से संबंधित बातचीत की। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्या प्राथमिकताएं हैं, इसको देखते हुए ही आम आदमी पार्टी अपने आगे की रणनीति को तय करेगी। युवा संवाद कार्यक्रम जिसमें कर्नल अजय कोटियाल पहुंचे, उन्होंने कहा कि युवाओं की जो समस्याएं हैं व युवाओं की जो प्राथमिकताएं हैं, उनको देखते हुए ही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी आगे की रणनीति को तय करेगी। देखो, युवाओं में तो हमेशा ना एक जोश होता है, एक इच्छा होती है समझने की कि वाकई में भविष्य में उनके लिए क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हताश हैं। हम जो युवाओं से जो बातें कर रहे हैं, पहली बार शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कोशिश कर रही है कि यूथ से बात करके समझें हर एक तो कॉमन प्रॉब्लम है पूरे उत्तराखंड की, उसके अलावा इलाके के हिसाब से क्या उस जगह की प्रॉब्लम है, और उनको उनके बेसिस पे ये आम आदमी पार्टी यूथ की आवाज को अपने मैनिफेस्टो में डालेगी। मैनिफेस्टो में डालेंगे आज के संवाद में मुख्य तरह से क्या कुछ समस्याएं आ गई, क्योंकि आप कुमाऊं के भ्रमण से हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स तो कॉमन जो इश्यूज थे वो तो थे कि रोजगार का क्या तरीका है, ये जो अपना अभी कोविड आया था तो उसके बाद इतनी जो डेथ हुई, आप लोग क्या करेंगे, हेल्थ की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। लेकिन हल्द्वानी की स्पेसिफिक दो चीजें जो बड़ी कॉमन आई थी वो थी, एक तो यहाँ पे जो स्टेडियम है, इतना बढ़िया स्टेडियम है, हम उस स्टेडियम में खेल ही नहीं सकते, यहाँ से उगने चाहिए स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे उग रही है घास, ये उनका पॉइंट आया था। उन्होंने बोला, मैं वर्बेटम वही चीज बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि इसी कुमाऊं रेजिमेंट, यहीं से जो कुमाऊं के लोग हैं, कुमाऊं के एरिया के, वो अलग अलग इंडियन आर्मी के उसमें जाते हैं यूनिट्स में अपने प्रो राटा बेसिस पे, वो जाकर के बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं हो सकता है। वहीं हरिद्वार में सत्यम ऑटो कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने भेल मजदूर कल्याण परिषद इंटक के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का संचालन महिपाल सिंह की तरफ से किया गया। बैठक में शासन प्रशासन की तरफ से किए गए व्यवहार को लेकर निकाले गए सभी श्रमिकों में रोष देखने को मिला। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से आज कर्मचारियों को शासन प्रशासन की तरफ से जबरदस्ती उठाकर जेलों में डाला जा रहा है, ये रवैया पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, जो दर्शाता है कि शासन प्रशासन पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें एक बार जेल में डालें या हजार बार, हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि सत्यम ऑटो कंपनी का विरोध प्रदर्शन, वहां पर भेल कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, हमको हजार बार जेल में डालो, लेकिन हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सत्यम ऑटो कंपनी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सभी लोग, और इन्होंने कहा है कि कितनी भी बार आप कोशिश कर लें, आप पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुके हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ सीधे तौर पर यह विरोध प्रदर्शन था, और साथ ही कर्मचारियों ने कहा है कि आप एक बार नहीं, कई बार हमको जेल में डालिए, विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। सत्यम ऑटो कंपनी से निकाले गए कर्मचारी हैं, भेल मजदूर कल्याण परिषद इंटक के कार्यालय पर यह बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सत्यम ऑटो कंपनी से निकाले गए श्रमिकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, और उन्होंने सीधे तौर पर शासन प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए, और साथ ही कहा है कि उन्हें एक बार नहीं, कितनी भी बार जेल में डालिए, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन प्रशासन पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुका है। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे छोटे छोटे बच्चों पर, हमारी महिला साथियों पर जिस तरह से दमन किया गया, सुबह 5 बजे उठकर सोते हुए बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को इन्होंने जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ठोस ठोस कर रोशनाबाद हॉल में इकट्ठा कर दिया, उस चीज के विरोध में, और हमारे 13 साथियों को लेकर जो जेल में डाल दिया गया था, उस चीज के कोई विरोध को लेकर हम लोगों ने आज की सभा की है, और इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि जल्दी से जल्दी हम लोग पूरे परिवार सहित फिर से सिडकुल में आंदोलन के लिए उतरेंगे, और रैली निकालते हुए पहले डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद फिर अगर पुनः कंपनी के गेट बंद करने की बारी आएगी तो हम फिर पुनः से कंपनी का गेट बंद करेंगे। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में
एनएसयूआई के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि महाविद्यालय में जिस तरह से सरकार से शिक्षकों के पद और सीटें घटा रही है उससे शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। उनका कहना है कि महाविद्यालयों में छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं पर महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद घटाने से उच्च शिक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वहीं शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इसका असर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में भी पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिक्षकों के पद घटाने से नाराज ये तमाम शिक्षक प्रदर्शन करते हुए कहा कि पद घटाने से सीधा असर शिक्षा पर पड़ेगा। तो एनएसयूआई कार्यकर्ता जिन्होंने आज प्रदर्शन करा एमबीपीजी कॉलेज में, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते हुए कहा है कि सरकार जिस तरीके से पद घटा रही है इससे सीधा असर शिक्षा पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भी इसका असर होगा। जिस तरीके से प्रदेश में 75 शिक्षकों के पद घटाए गए हैं जिसमें 51 शिक्षकों के जो पद घटाए गए हैं वो केवल एमबीपीजी महाविद्यालय से हैं, उसके विरोध में और उस कारणवश जो महाविद्यालय में छात्रों की सीटें घटी है उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग है सरकार से कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे शिक्षा का स्तर प्रदेश में बढ़े, ना कि ऐसे कि जिससे शिक्षा का स्तर घटे, शिक्षकों की संख्या घटी, संख्या घटाने पे काम करे, शिक्षकों की संख्या प्रदेश सरकार को बढ़ानी चाहिए, महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, मगर प्रदेश की भाजपा सरकार उसके विपरीत काम कर रही है और उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हम इस लड़ाई को पूरे प्रदेश भर में लड़ेंगे। वहीं लालकुआ के हाथीखाना से लेकर स्लीपर फैक्ट्री तक हुए सड़क निर्माण को अभी एक महीना भी नहीं हुआ और सड़क जगह जगह टूटना शुरू हो गई है। इसके साथ ही सड़क पर जल का भराव होना भी एक समस्या है। एसडीबीसी की तरफ से बनाई गई ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाखों की लागत से बनी ये सड़क महज एक महीने के अंदर जर्जर हो चुकी है। सड़क तो सड़क, सड़क के साथ बनाई गई नालियां तक टूटने लगी हैं। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाना लाजमी है। वहीं इससे स्थानीय लोगों में भी प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताते चले कि हाथीखाना मोहल्ले को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण राज्य योजना के अंतर्गत 19.01 लाख रुपए की लागत से कराया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, यही कारण है कि सड़क को बने 2 महीने भी नहीं हुए और सड़क पर जलभराव होने लगा। लोगों का कहना है कि क्षेत्रवासियों की सालों की मांग के बाद सड़क का निर्माण कराया गया और अब अगर सड़क पर इसी तरह से जलभराव होता रहेगा तो कुछ ही दिनों में सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। ठेकेदार तो सड़क निर्माण के बाद विभाग से पैसा लेकर चला जाएगा लेकिन परेशानी यहाँ के क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ेगी। लोगों की मांग है कि सड़क की जाँच करवाई जाए और जो भी उचित कार्रवाई है अमल में लाई जाए। तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महज 2 महीनों में इस सड़क का क्या कुछ हाल है। 2 महीने पहले ही यह सड़क बनाई गई थी। अब वहां के क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस सड़क में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है यहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होना भी कहा जा रहा है। तो आप सड़क की हालत अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिएगा किस तरीके से सड़क पर जगह जगह पानी भरा हुआ। ऋषिकेश के साहब नगर निवासी आईटीबीपी में सिपाही के पद पर तैनात 57 वर्षीय चिंतामणि डंगवाल की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वहीं जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सोमवार को पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सिपाही चिंतामणि डंगवाल आईटीबीपी गौचर में सिपाही के पद पर तैनात थे। रविवार दोपहर को हृदय गति रुकने से चिंतामणि डंगवाल का देहांत हो गया जिसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को ऋषिकेश स्थित साहबनगर में उनके निवास स्थान पर लाया गया जहां आज पूर्णानंद घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने
आज से ठीक 22 साल पहले शहादत दी थी और एक कारगिल युद्ध में विजय पताका हमने फहराई थी। जहाँ इस प्रकार का हमारे मन में गर्व की अनुभूति थी, तो वहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र के चिंतामणि डगवाल जो सहार नगर के रहने वाले थे, 57 वर्षीय थे, IDBP में तैनात गौचर में थे। उनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ। निश्चित रूप से उनकी ये शहादत को मैं नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से आज उनके अंतिम संस्कार में हम सैकड़ों लोग वहाँ उपस्थित थे, तो मैंने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये उनका जो बलिदान है, ये हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। और चूँकि ये हमारा उत्तराखंड, आप देखते हैं जहाँ ये देवभूमि कहलाता है, वहीं ये वीरों की भूमि भी कहलाता है। अनेकों अनेकों ऐसे लोग, चाहे कोई भी युद्ध रहा हो, कोई भी शांति युद्ध रहा हो, लेकिन हमारे लोगों ने अपनी एक कुर्बानी दी है, शहादत दी है, अपने लोहा मनवाया है, उसमें हमारे चिंतामणि डगवाल का भी नाम जुड़ा है। मैं उनको नमन कर रहा हूँ और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धा सुमन। वहीं उत्तराखंड में अगले 5 दिन मौसम को लेकर उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। 26 और 27 जुलाई को जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 28, 29 व 30 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि पहाड़ों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को बरसाती नदियों से सतर्क रहने की जरूरत है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले स्थानों पर जलभराव की दिक्कतें भी हो सकती हैं। मौसम विज्ञान ने यह अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।